नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रबर मोल्ड। रबर मोल्ड में सील का मोल्ड कैसे बनाते हैं। एक्चुअली स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये आर्टिकल का ड्राइंग है, इसका मैंने रिवॉल्व करा लिया है। ये देखो आप, कुछ इस तरह का आर्टिकल है, इसको मैंने रिवॉल्व करा दिया। बाद में दो होल्स है, यहाँ पे होल थ्रू नहीं है, होल का 5 mm डीप है। ये जो मैंने आर्टिकल बनाया है, ये विद सिंथेसिस बना दिया है। इसको हमें दो कैविटी में डालना है। तो सिंपल सा तरीका है, हम लोग लीनियर पैटर्न में जाएंगे। लीनियर पैटर्न में जाके हम लोग बॉडी को सिलेक्ट करेंगे। ये बॉडी को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम लोग इसका डायरेक्शन देंगे, कौन से डायरेक्शन में इसको पैटर्न करना है। बीच का गैप कम से कम 10 mm होना चाहिए। देखो 130 हो गया, अभी हम लोग चेक कर लेंगे कितना गैप है। यहाँ से ये दोनों आर्टिकल के बीच में 10 mm गैप होना चाहिए। यहाँ 21 mm दिख रहा है, ठीक है 21 mm रहने देते हैं। अगर कम ज्यादा करना है तो आप पैटर्न में जाके कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे न्यू पे, जाके असेंबली पे क्लिक कर लीजिए और डबल क्लिक करके आर्टिकल को लेके आइए असेंबली में। इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। प्लॉट कर दिया आपने, मेट पे जाइए। मेट पे जाने के बाद जो असेंबली का प्लेन और जो आर्टिकल का प्लेन है, दोनों को हम लोग मेट कराएंगे। ये देखो आर्टिकल को हम मेट करा रहे हैं, बी सेक्शन टॉप, ये आर्टिकल हो गया इस टाइप का। हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। किस नाम से, टू केविटी, टू केविटी सील मोल्ड रबर मोल्ड। ओके, अभी ये सेव हो गया। इसका पार्टिंग लाइन इंपॉर्टेंट है। पार्टिंग लाइन समझो हमने यहाँ दी है, क्योंकि अगर यहाँ देंगे तो यहाँ पे अंडर कट हो जाएगा, तो पार्टिंग लाइन यहाँ पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू पे सेलेक्ट करके इसको पार्टिंग लाइन पे क्लिक कर दिया मैंने, उसके फेस पे क्लिक करेंगे। फेस पे क्लिक करने के बाद नॉर्मल पोजिशन करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना देंगे, जो प्लेट का साइज है वो साइज के ऊपर। समझो ये साइज कितना है, कुछ 12 इंच का, 12 इंच बोले तो इंटू 25.4, और ये साइज है अपना 7 इंच का, 7 × 25.4, और थिकनेस इसको हम लोग थिकनेस देंगे 32 mm। डायरेक्शन यहाँ से देख लीजिए, डायरेक्शन नीचे साइड होना चाहिए। बाद में क्या करेंगे, सिंपल सा फीचर्स में जाएंगे, केविटी को सेलेक्ट करेंगे, ये दोनों को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, ऑटोमेटिक हमारा केविटी बन जाएगा। ये देखो आप, ठीक है, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे। सेव कौन से नाम से करेंगे, ये बॉटम प्लेट है, कौन सा प्लेट, बॉटम, बॉटम प्लेट XX1 के नाम से मैंने सेव कर दिया। अब इसका सेक्शन व्यू करके देखेंगे, सेक्शन व्यू कुछ कुछ भी इधर रहेगा तो दिख जाएगा। देखो कहीं अंडर कट नहीं दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्टिकल में कहीं भी अंडर कट नहीं है, तो कोई इश्यू नहीं है। अभी इसके ऊपर हम लोग कौन सा प्लेट लेंगे, या फिर इसमें हम लोग ओपन करने के लिए साइड साइड स्लॉट मार सकते हैं। तो स्लॉट कैसा रहता है, ये देखो आप, इस टाइप का स्लॉट रहेगा। ये स्लॉट का साइज हम 30x30 मार सकते हैं या 25x25, 30x30 मार देते हैं। स्लॉट मारने का मीनिंग क्या होता है, कट मार देना, एक्स शूट कट का यूज करेंगे हम, स्केच बना के एक्स शूट कट कर देंगे।
चारों को हमने क्या करेंगे, हम पैटर्न करा लेंगे। कितना एमएम डीप में ये पैटर्न नहीं हुआ प्रॉपर, एक बार वापिस से हम पैटर्न कराएंगे। इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, मिरर कर दिया, 6 mm डीप में हम लोग ओके। अभी क्या करेंगे, गाइड पिन 4 होल मारेंगे, दोनों का सेंटर सेलेक्ट किया और क्या करेंगे 15.9। कितना है, इक्वल भी कर सकते हैं, वहां पे दोनों सर्कल पे क्लिक करके हम लोग इक्वल करेंगे तो भी आ जाएगा। अभी हम लोग इसका पैटर्न मारेंगे, इसको भी कुछ डायमेंशन दे देते हैं, ये देखो इसको मैं पैटर्न करूंगा। क्या करेंगे, इसको थ्रो ऑल कर देंगे, 4 होल थ्रो ऑल, ये गाइड पिन का काम करेगा। यहाँ पे 16 करोड़ लिखे, 15.9 करके यहाँ पे आर्टिकल को मैं कलर कर देता हूँ, एक्चुअली दिख नहीं रहा है तो आर्टिकल को कलर करेंगे तो क्लियर दिखेगा, ये देखो आर्टिकल को मैंने क्लियर कर दिया। अभी दूसरा प्लेट ले लिया मैं, दूसरा न्यू पे जाके मैंने दूसरा लिया है। अभी क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट इन पीस कर देंगे ओके, देन इसका थिकनेस दे देंगे। तो जो साइज हमारा बॉटम प्लेट का है सेम वही साइज टॉप प्लेट आएगा। अगर इन केस इन फ्यूचर में हम लोग बॉटम के साइज को चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक अपना टॉप का साइज चेंज होगा। इसके लिए हमेशा कन्वर्ट इन पीस करके लीजिए आप लोग, का सबसे बेस्ट फायदा यही है। अपन कभी भी चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक सामने वाला प्लेट चेंज हो जाएगा, चाहे टॉप हो बॉटम हो कोई भी प्लेट। कितना 6 mm, कौन सा प्लेट है ये टॉप प्लेट, असेंबली में जाके दोस्त कोई भी आप लोग कितना भी कॉम्प्लेक्स डिजाइन है वो आप कर सकते हो, बहुत इजी तरीके से होता है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है, डायरेक्ट आप मोल्ड बनाने जाएंगे तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही इजी रास्ता है, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये क्या है, ये जो चैम्फर मारा है जब ये मशीनिंग होगा ना तो ये रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करेगा, कि दोनों एक ही बाजू असेंबली करते वक्त काम आएगा। ये देखो हमारा मोल्ड रेडी हो गया, यहाँ से हम लोग चेक कर लेंगे कोई इशू रहेगा तो, माइनस हमने केविटी टॉप को केविटी नहीं किया है तो उसको केविटी कर देंगे। यहाँ से जाएंगे फीचर्स में रखे क्वालिटी को सेलेक्ट करेंगे, फिर आर्टिकल को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है इसको आप कलर कर लो,
देन इसको कलर कर लो आप। कलर करने के बाद इसको हम एक्सप्लोड व्यू करेंगे। पहले सेक्शन व्यू करके देख लेंगे, यहाँ से हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप है कि नहीं है। तो यहाँ से आप इंटरफेरेंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ जो भी इंटरफेरेंस रहेगा वो दिखा देगा। अभी हाल फिलहाल में इंटरफेरेंस नहीं है। दूसरा ये चीज क्या करेंगे अपन, इसको एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करने के लिए आप चले जाओ यहाँ से एक्सप्लोर व्यू में, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से इसको ड्रैग करो फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड फिर इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से इसको रोटेट करो, और यहाँ से क्या डाल दो, डिग्री डाल दो 180। ओके डन। थर्ड ऑप्शन इसको सेलेक्ट करो और कितना है यहाँ से 25.4। चाहो तो आर्टिकल को भी ड्रैग कर सकते हो। फिर से जाओ यहाँ से, यहाँ पे क्या करो एक्सप्लोर व्यू, एक्सप्लोर व्यू पे जाओ, एडिट फीचर्स पे चले जाओ, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से ऐसा आर्टिकल निकालो। ये हमारा रेडियो है दोस्त, ये सील का मोल्ड है, सील रबर सील मोल्ड है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स से ज़रूर ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।